आपके बच्चे को आदर्श कैसे बनाएं, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी लॉकडाउन चालू है, काफी समय सभी लोग अपने फैमिली में एक साथ बिता रहे हैं। बच्चे घर में है, उनके पापा मम्मी घर में है, काफी सारा समय मिल रहा है। और अभी इसी समय हम बच्चों के ऊपर कुछ संस्कार कर सकते हैं, अच्छी परवरिश कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मैं आपको 6 टिप्स दे रहा हूँ। नंबर 1 ये है कि आप बच्चों का जो टैलेंट है उसको डेवलप करो, और वो टैलेंट का उपयोग स्किल डेवलप करने में, वैल्यू ऐड करने में तैयार करो। जैसा बच्चा बहुत होशियार है, मगर उसको यदि स्किल्स ऐसे आप उसमें डेवलप करते हैं कि जो स्किल्स से लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो उसको बहुत पैसा मिलेगा बाद में। तो वो डेवलप करना बहुत जरूरी है कि भाई उसके स्किल्स कैसे डेवलप होंगे। फिर स्किल्स में कोई खेल खेलता है, स्पोर्ट्स, उसमें स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अभी तो खेल नहीं खेल सकते, मगर उसके बारे में सोच सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में वो आगे जा सकता है, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में स्टडी करो। या फिर इंडोर स्किल्स क्या डेवलप कर सकता है, कोई कंप्यूटर के नए प्रोग्राम सीखना है, या कोई गेम्स नए सीखना है, क्विज से क्या होता है कि एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है वो अच्छा बढ़ता है, तो टैलेंट बढ़ जाता है। तो क्विज सिखाना, और अलग अलग मतलब कोई कंपटीशन में उसको भाग लेने के लिए बोलना, ऑनलाइन कंपटीशन चालू है, ऑनलाइन कोर्सेज चालू है, तो उसको डेवलप करके बच्चे की खुद की वैल्यू बढ़ाना जरूरी है। और वो वैल्यू बढ़ती है तो वो टैलेंट का उपयोग होगा। तो 1, टैलेंट का उपयोग करके स्किल्स और खुद की वैल्यू बच्चों की बढ़ाना, ताकि लोगों के जीवन में वो वैल्यू बढ़ा सके, 1। दूसरा है टाइम। टाइम अभी बहुत है सबको, मगर अभी इसी समय टाइम का इस्तेमाल कैसे करना और शेड्यूल कैसे तैयार करना, वो सिखाना बहुत जरूरी है। पढ़ाई का टाइम टेबल और बाकी हम जो जीवन में काम करते हैं उसका टाइम टेबल, वो यदि उसको सिखाते हैं तो उसके पास में बहुत टाइम ही टाइम रह जाएगा। क्योंकि जो टाइम टेबल बनाते हैं, जो शेड्यूल बनाते हैं, उनके पास में बहुत टाइम टेबल फ्री रहता है। फ्री क्यों रहता है? क्योंकि जब टाइम टेबल ही नहीं है तो हमारा टाइम बहुत फालतू चीज़ों में गंवाते रहते हैं, और हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम गंवा रहे। चिट चैटिंग करना, गॉसिपिंग करना, टीवी देखना, व्हाट्सएप, कुछ सुनने, गाना मतलब गाने सुनना, ऐसा चालू रहता कुछ ना कुछ, तो वो बिताते रहते हम। तो वो यदि नहीं बिताते तो अपने पास में टाइम ही टाइम रह जाएगा। तो टाइम का महत्व और शेड्यूलिंग, वो सिखाओ बच्चों को। तीसरा जो है वो है ट्रेजर। बच्चों को ट्रेजर मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी उसको दे दो, क्योंकि फाइनेंस क्या, पैसे का क्या महत्व है, पैसे कैसे खर्चा करना पड़ता है, पैसे कैसे कमाना पड़ता है, पैसे का प्लानिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करना, यदि बच्चा सीख सकता है वो तो भी आप उसको पढ़ा सकते हैं, ताकि उसको पैसे का महत्व समझेगा। अभी देखो, अभी लॉकडाउन के ज़माने में भी हमारे पास में ज़्यादा खर्चे ही नहीं है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ खाने को लगता है वही खर्चा है लोगों को, तो वो खर्चे जो है हमारे कितने कम है और हम कितने फालतू खर्च करते हैं, वो यदि उसको मालूम हुआ, एहसास हुआ, तो सेविंग करना सीख जाएगा। चौथा जो है वो है टीम वर्क। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यदि बच्चों को हम सिखाते हैं कि टीम वर्क का क्या महत्व है, और टीम वर्क घर में भी उसको एक टीम में सब लोग काम करते हैं और वो टीम का एक हिस्सा हमारा बच्चा रहता है, और उसको वो टीम की लीडरशिप देते हैं, तो टीम में काम करने का उसको तजुर्बा आ जाएगा। खाना बनाना वो टीम में है, खाना खाने की तैयारी करना वो टीम में है, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाने का है वो है, जैसा भी मतलब सब टीम वर्क से उसको टीम में इन्वॉल्व करके वो सिखाते हैं तो वो टीम वर्क सीख जाएगा। 5वां जो है उसको ऑनेस्टी सिखाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रामाणिकता, प्रामाणिकता से भले ही जल्दी आपको यश नहीं मिलेगा, मगर प्रामाणिकता वाला आदमी ये लंबे रोज का घोड़ा होता है। प्रामाणिकता से जल्दी यश नहीं मिलता है, उल्टा शॉर्टकट्स की बदमाशी है तो जल्दी यश मिलता है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रामाणिकता से भले ही टाइम से यश मिलेगा, लंबा चलना पड़ेगा, मगर जो यश मिलता है उसका फाउंडेशन, उसका बेस बहुत ज़बरदस्त रहता है, तो है ऑनेस्टी। और 6वां है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। बच्चों को ये सिखाओ कि हर बात की जिम्मेवारी लो, और जिम्मेवारी लो ये सिखाना है बोले तो उसको उसका काम करने देना। स्नान करना है तो उसको सपोर्ट कर सकती है उसकी मम्मी, मगर स्नान करवा के नहीं देना, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफकोर्स। या पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कैसी करना सिखाना, बैग कैसे भरना है, खुद के कपड़े कैसे रखना है, कैसे पहनना है, घर की साफ सफाई, खाना खाने के बाद में प्लेट साफ करना है, ऐसा आप उसको सिखा सकते हो, तो उसको उसको जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी से वो काम करेगा, और जिम्मेदारी से जब काम करेगा तो आगे चल के
कोई भी काम जिम्मेवारी से करेगा ना तो बहुत यश मिल जाएगा उसको, बहुत सफलता मिलेगी। तो जिम्मेवारी इसका मतलब होता है कि काम की शुरुआत करना और काम आखिरी तक लेके जाके उसके फल मिलने तक का काम करना, पूरा करना, तो वो जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी हम बच्चों को सिखाते तो बहुत बच्चा बड़ा हो सकता है। तो ये 6 पॉइंट मैंने जो बताया वो आप सिखाते हैं, आपका बच्चा एक आदर्श बच्चा बन जाएगा। मैं फिर से एक रिपीट करता हूँ, 1 है टैलेंट एंड स्किल्स, 2 है टाइम, 3 है ट्रेजर मतलब पैसा, 4 है टीम वर्क, 5 है ऑनेस्टी, 6 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारे वीडियो ऐसे ही चैनल पे आते रहते हैं तो ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगे। हमारी ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, डॉक्टर केळेकर नाम की ऐप है। वो ऐप के ऊपर आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, ऐप के ऊपर वीडियोज भी काफ़ी फ्री है और आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी वहाँ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।